welcome to all i am sandhya yadav your hindi teacher and i am here to teach hindi today i am going to start the second chapter of class 6 anyay ka Virodh. and today is our second class and i hope you will all good students listen carefully what we have the study in this lesson so आवर सेकेंड चैप्टर इज अन्याय का विरोध तो बच्चों सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय आपको बताते हैं प्रस्तुत पाठ में अन्याय का विरोध करने की शिक्षा दी गई है अन्याय करने वाला तो दोषी होता ही है उससे सहन करने वाला भी दोषी होता है सुप्रसिद्ध कहानीकार अंतोन चेखो ने इस कहानी में गवर्नेस जूलिया को चरित्र को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कहानी में भोली भाली ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जूलिया अन्याय का विरोध नहीं कर पाती और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाती समाज में अपने अस्तित्व और हक के लिए हमें निडर होकर निरंतर संघर्षरत रहना चाहिए हाँ ये सच बात है कि जो अन्याय अन्याय करने वाला तो दोषी होता ही है और उससे बड़ा वह दोषी होता है जो अन्याय को सहता है इसी के बारे में लेखक अंतोन चेखव ने गवर्नेस जूलिया के माध्यम से इस पाठ का परिचय दिया है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल समथिंग अबाउट द ऑथर अंतोन चेखो इस पाठ के लेखक हैं अंतोन चेखो जिनका जन्म 1860 सौ ईस्वी में रूस के एक शहर में हुआ था 20 वर्ष की आयु में ही इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया इन्होंने लघु कथाएं, कहानियां, प्रहसन, व्यंग्यात्मक लेख आदि लिखे हैं चेखो ने अपनी रचनाओं में उन्नीसवीं शताब्दी के नौवे दशक के रूसी समाज का यथार्थवादी चित्रण किया है और इनकी मृत्यु सन 1904 में हो गई थी एक्सप्लेनेशन कुछ दिन पहले की बात है मैंने अपने बच्चों की गवर्नेस जूलिया को अपने पढ़ाई के कमरे में बुलाया और कहा इस पाठ के जो लेखक हैं अंतोन शेखव वे कहते हैं कि कुछ दिन पहले की बात है और गवर्नेंस यहाँ पे गवर्नेंस शब्द देख दिया गया है जिसका अर्थ होता है संरक्षिका या फिर देखभाल करने वाली तो वे कहते हैं कि कुछ दिन की बात है उन्होंने जूली जूलिया नामक की देखभाल करने वाली गवर्नेंस को बुलाया अपने पढ़ाई के कमरे में बुलाया और कहा बैठो जूलिया उन्होंने उस जूलिया को अपने कमरे में बुलाया और बैठने को कहा मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ चूँकि वो जो जूलिया रहती है उनके बच्चों की संरक्षिका है इसलिए उसके महीने के तनख्वाह पूरे हो गए थे अब लेखक उसे उसकी तनख्वाह देने के लिए उसे बुलाते हैं और अपने कमरे में बैठने के लिए कहते हैं मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान चुका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ चूँकि इस पार्ट की जो जूलिया है वो बहुत ही सीधी सादी और भोली भाई लड़की है वह अन्याय का विरोध बिल्कुल भी नहीं करती है और तनख्वाह मांगने की तो बात बहुत दूर की है ये सारी बातें लेखक जानते हैं इसलिए उसे तनख्वाह देने के लिए उसे स्वयं ही बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि जितना वह उसे जानते हैं कि वो तो पैसे मांगेगी नहीं इसलिए वो स्वयं ही उसे बुलाते हैं और पैसे देने के लिए कहते हैं तो बताओ जूलिया तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी और उसे यह प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारी जो तनख्वाह है महीने की वो कितनी तय हुई थी तीस रूबल प्रति माह तय हुई थी ना और उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो तनख्वाह है महीने की वो तीस रुपये तय हुई थी यहाँ पर एक शब्द दिया है रूबल रूबल रूस की एक मुद्रा है रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं उन्होंने यही कहा उससे जूलिया से कि जो तुम्हारी तनख्वाह है वह महीने की तीस रुपए ही तय हुई थी ना जूलिया ने दबे स्वर में कहा जूलिया कि सीधी साधारण लड़की रहती है इसलिए वो बहुत ही धीरे स्वर में कहती है दबे स्वर में कहती है अपना जो आवाज़ है वो दबा करके कहती है कि जी नहीं चालीस रूपल प्रति वो कहती है कि नहीं तीस रुपए नहीं हुए थे चालीस रूपल हुए थे नहीं भाई तीस मैंने डायरी में नोट रखा है फिर लेखक कहते हैं कि मैंने डायरी में नोट करके रखा है कि जब से तुम आ रही हो और जो तनख्वाह तुम्हारी तय हुई थी वो तीस रुपये पर ही तय हुई थी इस बात को लेखक कहते हैं कि उन्होंने ये बात डायरी में नोट करके रखी हुई है मैं बच्चों की गवर्नेंस को इसके पहले जो गवर्नेंस आती थी संरक्षिका आती थी उनके बच्चों के लिए उसके लिए क्या कवि लेखक क्या, क्या कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा तीस रूबल प्रति माह देता आया हूँ इसके पहले जो गवर्नेंस थी जो संरक्षिका थी उनके बच्चों की जो देखभाल करती थी उसको लेखक तीस रुपए देते थे इसलिए वो कहते हैं कि इसके पहले जो संरक्षिका थी उसको मैं तीस रूबल ही प्रति माह देता आया हूँ अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए दो महीने हुए हैं फिर वो जूलिया से कहते हैं कि तुम तो हमारे यहाँ दो महीने से काम कर रही हो जी नहीं दो महीने पाँच दिन फिर जूलिया कहती है कि नहीं मुझे काम करते हुए दो महीने और पाँच दिन हो गए बल्कि लेखक क्या कहते हैं कि सिर्फ दो महीने क्या कह रही हो ठीक दो महीने हुए हैं लेकर पुनः कहते हैं कि नहीं सिर्फ दो महीने ही हुए हैं तुम्हें यहाँ काम करते हुए मेरे बच्चों का देखभाल करते हुए सिर्फ तुम्हें दो महीने ही हुए हैं भाई मैंने डायरी में सब नोट रखा है और लेखक कहते हैं कि ये सब सारी बातें जो भी हैं कितने महीने से तुम काम कर रही हो ये सारा मैंने डायरी में नोट करके रखा हुआ है तो दो महीने के बनते हैं साठ रूबल लेखक के अनुसार अगर एक महीने का तीस रुपये हुआ तो दो महीने का साठ रुपया हुआ इसलिए वो कहते हैं कि दो महीने दो महीने का साठ रुबल हुआ लेकिन साठ रुबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो और लेखक ये भी बात कहते हैं कि नागा मतलब एक अगर तुम लगातार काम करती हो एक भी दिन तुम नागा ना हुई हो तब तुम्हारे साठ रुपए बनते हैं तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है तुम इतवार को भी नहीं आई हो रविवार को भी नहीं आई हो उस दिन तुमने काम नहीं किया और उस दिन तुमने काम भी नहीं किया था कोल्या को केवल घुमाने भर ले गई थी इसके अलावा तुमने तीन छुट्टियां और भी ली हैं लेखक फिर कहते हैं कि अगर तुम लगातार आई होती तब तुम्हारे साठ रूबल होते साठ रुपये होते लेकिन तुम बीच में रविवार को भी नहीं आई थी और इसके अलावा कोल्या जो उनका पुत्र है उसको घुमाने के लिए भी ले गई थी जिससे इसके अलावा तुमने तीन छुट्टियां और भी ली हैं इसके अतिरिक्त तुमने तीन छुट्टी और भी ली है जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया वह बार बार ड्रेस की सिकुड़न ठीक करने लगी और जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया पीला पड़ना मतलब मुहावरा दिया है पीला पन्ना मतलब घबराना वो घबराने लगती है और वो अपनी जो ड्रेस पहनी रहती है अपना पोशाक पहने रहती है उसको ऐसे ठीक ठाक करने लगती है बोली एक शब्द भी नहीं और एक शब्द भी नहीं बोलती है हाँ तो नौ रविवार और तीन छुट्टियाँ जैसा कि लेखक ने बताया कि वो रविवार को भी नहीं रहती रहती है तो नौ रविवार मतलब कितने रविवार हुए दो महीने के नौ रविवार हो गए और तीन छुट्टियाँ इसके अलावा तीन छुट्टियाँ भी उसने ली थी यानी बारह दिन कम अब उसके बारह दिन कम हो गए मतलब यह कि तुम्हारे बारह रुपए कट गए उसके तनख्वाह के लेखक ने बारह रुपए काट करके बताए कि कि तुमने तीन छुट्टियाँ भी ली थी और नौ रविवार का लेकर के तुम्हारे बारह रूपल कट गए अब देखो बारह दिन कोल्या चार दिन बीमार रहा जो कोल्या का पुत्र था वो चार दिन तक बीमार था और तुमने केवल वान्या को पढ़ाया उनकी जो पुत्री है वान्या उसी को सिर्फ पढ़ाया पिछले सप्ताह शायद तीन दिन तुम्हारे दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी फिर वो क्या कहते हैं कि तुमने कोल्या को कोल्या तो बीमार था उसको तो तुमने पढ़ाया नहीं तुमने तो सिर्फ बान्या को पढ़ाया और तुम्हारे दांतों में दर्द था इसलिए पिछले सप्ताह तुम तीन दिन छुट्टी पर थी और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी देती थी और पत्नी ने भी दोपहर के बाद छुट्टी देती थी तो बारह और सात हुए उन्नीस उन्नीस नागे तुमने उन्नीस नागे किए हैं उन्नीस दिन तुम नहीं आई हो हाँ तो भाई घटाओ साठ में से उन्नीस तो कितने बचे इकतालीस रुबल ठीक है ना फिर वह पूरा घटा करके कहते हैं कि तुम्हारे अब सिर्फ इकतालीस रूबल ही हैं ठीक है ना? इस प्रकार से वो स्वयं ही जूलिया जूलिया से कहते हैं कि अब तुम्हारे सिर्फ इकतालीस रुपये ही पूरे कट कर हुए हैं ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू आए यह सब सोच करके जब लेखक ने उससे सारे पैसे लगभग काट करके कहा कि तुम्हारे इतने पैसे हुए तो वो उसकी आंखों में आंसू आने लगे उसने धीरे धीरे अपना गला साफ़ किया जैसे अगर किसी व्यक्ति के आंखों में आंसू आ जाते हैं तो उसका गला भर आता है उसी प्रकार जूलिया के भी आंखों में आंसू आने से उसका गला भर आया वह बिल्कुल बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी इसलिए अपना जो आंसू है उसको से किया और अपना गला साफ किया बोली एक शब्द भी नहीं और उसने एक शब्द भी नहीं बोला हाँ याद आया मैंने डायरी में देखते हुए कहा फिर लेखक कहते हैं उनको याद आता है फिर वो अपनी डायरी में देख करके के कहते हैं कि पहली जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली प्याली टूट गई थी फिर वो क्या कहते हैं कि पहली जनवरी को तुमसे चाय की प्लेट और प्याली भी टूट गई थी प्याली का दाम तुम्हें पता भी है फिर उसे प्रश्न कहते हैं कि जो तुमने प्याली तोड़ी है क्या उसका उसका दाम तुम्हें पता भी है कि वो कितने की थी मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही है फिर अपने आप को वो कहते हैं कि लगता मेरी किस्मत में ऐसा ही है कि नुकसान उठाना क्योंकि उनकी चाय की प्लेट और प्याली भी टूट गई थी चलो उसके दो रूबल ही काटूंगा अब लेखक उससे कहते हैं कि जो तुमने प्लेट और प्याली तोड़ी है उसकी मैं सिर्फ दो रूबल दो रुपये ही काटूंगा। अब देखो तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना फिर उससे कहते हैं कि तुमने चाय और प्लेट भी प्लेट और प्याली भी तोड़ दी इसके लिए तो तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए मतलब तुम्हें ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचा कर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया एक दिन ऐसा हुआ कि जूलिया जब आई थी तो कोलिया जूलिया से नज़र बचा के वो क्या करता है पेड़ पर चढ़ जाता है जिसकी वजह से उसे खरोच लग जाती है और उसकी जैकेट फट जाती है तो लेखक कहते हैं कि तुम्हारी नज़र बचा कर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोच लगकर उसकी जैकेट फट गई जिसकी भरपाई कौन करेगा कहते हैं कि जो उसकी जैकेट फटी, उस पैस उस, उस, उस रुपए की भरपाई कौन करेगा वो कौन देगा तो दस रुपल उसके कट गए इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने व्या के जूते चुरा लिए और वान्या के भी जूते चोरी हो गए ये लेखक कहते हैं कि ये सब सारी तुम्हारी लापरवाही का ही नतीजा है कि कोल्या के जैकेट फट गई और वान्या के वान्या की नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए और वान्या के जूते भी चोरी हो गए अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं अब लेखक उससे फिर कहते हैं कि तुम्हारा काम क्या है तुम उनकी गवर्नेंस हो संरक्षिका हो तो तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है अब तुम्हारी वजह से ही वान्या और कोल्या को भी नुकसान कर, होना पड़ा इसलिए तुम्हें उसी बात के पैसे मिलते हैं कि तुम उन लोगों की अच्छी प्रकार से देख रेख करो तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैस पैसे तो काटने ही पड़ेंगे लेखक कहते हैं कि अगर तुम अपने काम में लापरवाही बरतोगी लापरवाही करोगी तो तुम्हारे पैसे तो कटने ही हैं मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना लेखक कहते हैं कि मैं इसमें कोई गलत तो कह ना आ रहा हूँ अगर तुम लापरवाही करोगी तो तुम्हारे पैसे तो कटेंगे ही तो जूते के लिए पाँच रुबल और कट गए और नौकरानी ने जो जूते चुराए थे वान्या के उसके लिए भी लेखक ने उसके पाँच रुपये और काट लिए और हाँ दस जनवरी को मैंने तुम्हें दस रुपये दिए थे लेखक पुनः कहते हैं कि और दस जनवरी को मैंने तुम्हें दस रुबल दे दिया था जी नहीं आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे पहले वो कहती है जी नहीं मतलब आपने नहीं दिया है पैसे पुनः कहती है जूलिया कि जब आप कह रहे हैं तो आपने दे ही दिए होंगे दिए होंगे नहीं दिए हैं फिर लेखक कहते हैं कि दिए होंगे नहीं मतलब ऐसा ना कहो कि मैंने दिए होंगे मैंने दिए हैं पैसे कठोर स्व मैंने कठोर स्वर में कहा लेखक कहते हैं कि इस बात को मैंने कठोर स्वर में कहा कि मैंने दिए होंगे नहीं ऐसा ना कहो दिए हैं पैसे मैंने दे दिए हैं तो घटाओ इकतालीस में से सत्ताईस बचे चौदह अब उसके मात्र चौदह रूबल ही बचे थे पूरे कट करके क्यों हिसाब ठीक है ना फिर वह जूलिया से कहते हैं कि अब तुम्हारे सिर्फ चौदह रूबल ही बचे हिसाब सही है ना ठीक है ना उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी इतना लेखक जब उससे कह रहे थे इतना अन्याय कर रहे थे लेखक उसके साथ तो उसकी जो आंखें वो आंसुओं से भर उठती हैं उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया और उसके शरीर पर पसीना आ जाता है कांपते स्वर में बोली मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे फिर किसी तरह से वह हिम्मत जुटा करके कहती है कि मुझे अभी तक सिर्फ एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे आपने नहीं दिए थे वो पैसे सिर्फ तीन रूबल ज़्यादा नहीं वो भी आपकी पत्नी ने जो दिए थे वो सिर्फ तीन रूबल ही दिए थे ज़्यादा मुझे नहीं दिया था अच्छा मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं फिर वो कहते हैं कि और मतलब मेरी पत्नी ने तुम्हार तुम्हें तीन रुपए दे दिए थे इतनी बड़ी बात है और उसने मुझे बताई तक नहीं हो जाता ना अनर्थ मतलब फिर वो फिर कहते हैं अनिष्ट अनर्थ मतलब अनिष्ट बेकार हो जाता ना अगर खैर मैं इसे डायरी में नोट कर लेता हूँ फिर वो कहते हैं कि मेरी पत्नी ने तुम्हें तीन रुपये दिए थे इस बात को अब मैं फिर से डायरी में नोट कर लेता हूँ हाँ तो चौदह में से तीन और घटा दो चौदह रुपए तो लेखक ने ला अंतिम में कहा था कि तुम्हारे चौदह रुपए हुए अब जब पत्नी ने तीन रुपए दे दिए थे तो इसमें से तुम तीन रुपए और घटा दो बचते हैं ग्यारह अब तुम्हारे पास तुम्हारी तनखा सिर्फ ग्यारह रूबल ही हुई तो भाई यह रहा तुम्हारा वेतन अब उसे उसका ग्यारह रुपए जो वेतन हुआ काट करके उसको लेखक ने कहा अब तुम्हारे सिर्फ ग्यारह रुपए हुए ये ग्यारह रूबल देख लो ठीक है ना उसे ग्यारह रूबल देते हैं और कहते हैं कि इन्हें देख लो तुम अब ठीक है ना ये उसने कांपते हाथों से ग्यारह रूबल लिए और किसी तरह उन्हें अपनी जेब में ठूंस कर धीमे और विनीत स्वर में बोली जी धन्यवाद कांपते हुए उसने ग्यारह रूबल लिए और जेब में ठूस कर और उसने क्या किया अपने जेब में रख लिया और विनीत स्वर में बोली मतलब एकदम शांत और धीमे स्वर में बोली जी धन्यवाद फिर भी वो लेखक को धन्यवाद बोलती है जो लेखक ने उसे ग्यारह रुपये दिए थे मैं गुस्से में उबलने लगा लेखक को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो उससे लगातार अन्याय करते जा रहे थे और वो फिर भी चुप थी शांत थी उन्होंने जूलिया ने लेखक से कुछ भी नहीं कहा बल्कि ग्यारह रूबल देने के बाद उसने धन्यवाद कहा इसलिए लेखक को बहुत तेज गुस्सा आता है कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में पूछा फिर लेखक कमरे में चक्कर लगाते हैं इधर उधर घूमते हैं और क्रुद्ध स्वर में पूछते हैं गुस्सा करके पूछते हैं धन्यवाद किस बात का आपने मुझे पैसे दिए हैं इसके लिए धन्यवाद उसे क्रुद्ध स्वर में पूछते हैं कि तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो फिर जूलिया कहती है कि धन्यवाद आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ अब मुझसे सहा नहीं सहा गया लेखक कहते हैं कि अब मुझसे ये बात नहीं सह गई कि मैंने उससे काट करके इतने कम पैसे दिए फिर भी वो मुझे धन्यवाद कह रही है मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा अब लेखक ने और भी तेज़ आवाज़ में बोला चिल्लाते हुए बोला तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो फिर लेखक उसे कहते हैं लेखक का मतलब यही होता है कि वो उसके साथ लगातार अन्याय अत्याचार किए जाते हैं उसके सारे पैसे लगभग काट लेते हैं फिर वो वो क्या करती है उन्हें धन्यवाद बोलती है इस बात का उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो इस बात का जबकि उन्होंने सारे पैसे उसके काट लिए थे जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है फिर लेखक कहते हैं उसे कि जुलिया तुम जानती हो बहुत अच्छी तरह से कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है नौकरानी जो वान्या की जूते चुराई थी उसके भी पैसे काटे हैं कोल्या जब पेड़ पर चढ़ गया था उसकी जैकेट फट गई थी उसके भी पैसे मैंने काटे हैं ये सब तुम तुमसे जो चा प्लेट गिरी थी उसके भी मैंने पैसे काट लिए ये सब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बिना मतलब के मैंने तुम्हारे सारे पैसे लगभग काट लिए हैं तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे मार लिए हैं और जो तुम्हारे जो भी पैसे हुए हैं मैंने उन पैसों को मार लिया मतलब हथियार लिया है वो तुम्हारा पैसा है बल्कि वो पैसे सारे मैंने ले लिए हैं इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो इसी बात का लेखक को गुस्सा आता है कि वो उसके साथ हमेशा अन्याय ही कर रहे हैं धोखा ही दे रहे हैं उसे लेकिन फिर भी वो उन्हें धन्यवाद बोलती है जी हाँ इससे पहले मैंने जहाँ काम किया वहाँ के लोगों ने मुझे एक रूबल तक नहीं दिया और आप कुछ तो दे रहे हैं फिर वो जूलिया बोलती है कि इससे पहले मैं जहाँ काम करती थी इसके पहले जहाँ वो संरक्षिका का, का काम करती थी देखभाल का, का काम करती थी वहाँ के लोगों ने उसे एक भी पैसे नहीं दिए इसलिए वो लेखक को धन्यवाद बोलती है कि लेखक ने कुछ पैसे तो उस उन्हें दिए उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छीटा मारते हुए कहा लेखक कहते हैं कि जूलिया ने मेरे क्रोध पर लेखक को बहुत तेज़ क्रोध आया था और वो कहते हैं कि उसने मेरे मेरे ऊपर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा यहाँ पर ठंडे पानी का छींटा मारना दिया गया एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि क्रोध शांत करना उन्होंने उसने लेखक ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जूलिया ने मेरा क्रोध शांत कर दिया ये बात कह करके कि जहाँ वो पहले काम करती थी उन्होंने उसे एक पैसे भी नहीं दिए उन लोगों ने तुम्हें एक रूपल भी नहीं दिया लेखक फिर कहते हैं उन लोगों ने जहाँ तुम पहले देखभाल का काम करती थी संरक्षिका थी वहाँ वहाँ के लोगों ने तुम्हें एक भी पैसे नहीं दिए एक भी रुपए नहीं दिए जूलिया मुझे यह बात सुनकर रंग मात्र भी आश्चर्य नहीं हो रहा है वो कहते हैं कि यह बात जो तुम कह रही हो यह बात सुनकर मुझे रंग माच मतलब थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है फिर स्वर धीमा करके मैं बोला लेखक कहते हैं कि मैंने अपने स्वर को धीमा किया और मैं बोला जूलिया से मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मज़ाक किया लेखक चूंकि उसे मजाक करते हैं इस बात का इसलिए क्योंकि वो अन्याय को लगातार कर रहे थे और लेकिन वह उसे सह रही थी इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा क्रूर मजाक मैंने किया तुम्हारे सारे पैसे लगभग मैंने काट लिए ऐसा सिर्फ मैंने मजाक तुम्हारे साथ किया है इस बात का मुझे क्षमा कर दो पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था और लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना चाहता था अर्थात मैं तुम्हें अन्याय का विरोध करने के लिए शिक्षा दे रहा था कि तुम जितना भी मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूँ उसका तुम विरोध करो देखो ये तुम्हारे अस्सी रूबल हैं अब उसके कितने हुए थे टोटल अस्सी रूबल हुए थे मैं अभी इन्हें दूंगा लेखक उसे कहते हैं कि तुम्हारे जो पूरे अस्सी रूबल हुए थे अभी मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा तुम्हें सौंप दूंगा लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा लेखक कहते हैं कि ये जो तुम्हारे अस्सी रूबल हुए इन्हें तो मैं दे दूंगा लेकिन उससे पहले कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जूलिया क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू बोदा और भीरू बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे लेखक कहते हैं कि इंसान जूलिया से कहते हैं कि इंसान भला कहलाने के लिए मतलब ये बात सही है कि तुम भोली भाली और सीधी हो लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि इंसान बेवकूफ बन जाए बोधा मतलब बेवकूफ और भीरू का अर्थ होता है डरपोक बन जाए इसका मतलब तो ये नहीं होता कि कोई इंसान अगर भला है तो वो बोधू और बेवकूफ बन कर के इस समाज में रहे और लगातार अन्याय को सहता रहे उसका विरोध न करे और जो भी अन्याय हो रहा है उसका विरोध भी न करे बस मौन रहे और सारा अत्याचार सहता रहे लेखक कहते हैं कि भला होना अच्छी बात है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसको तुम शांत से सहो मौन रहो नहीं जूलिया नहीं नहीं जूलिया ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस तरह मौन रहने से काम नहीं चलेगा अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए पूरी शक्ति के साथ तुम्हें इस कठोर निर्मम और हृदयहीन संसार में लड़ना होगा मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है फिर लेखक उसे कहते हैं कि इस संसार में जो लोग बेवकूफ़ हैं और जो लोग डरपोक हैं उनके लिए कोई भी जगह नहीं है हमें अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध बिल्कुल करना चाहिए संघर्ष के साथ करना चाहिए और यह उसको शिक्षा दे देते हैं तो बच्चों यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो भी अन्याय होते हैं उन्हें हमें संघर्ष पूर्वक लड़ना चाहिए उसका विरोध करना चाहिए धन्यवाद